एवरीवन पता है ना जो हिंदू रिचुअल्स में यूज करते हैं बिफोर एनी पूजा जो यूज करते हैं बजाते हैं उसको कॉन्शेल बोलते हैं ना जो आपको सी में पाया जाता है तो इट शुड बी आइदर मेज डिजाइन और शेल डिजाइन ठीक है तो हैज टू बी कम्प्लीटली डार्क नो लाइट लिक तो क्या है जो डार्क रूम है वो कम्प्लीटली डार्क होना पड़ेगा और नो लाइट लीक कोई लाइट लीक नहीं होना पड़ेगा इफ लाइट लीक ओकर फिल्मिंग okay? अगर अगर तो मतलब पहला एक्सरे था एक्चुअली आई डि नॉट न्यू एनीथिंग की डार्क रूम क्या है ये क्या है वो क्या है मेरे को एक एक्सरे लेने दिया तो आई जस्ट वेन देर और पहला ही मतलब आई ओपेंड इट इन दिस क्या बोलते हैं आपका लाइट में ही ओपन कर दिया मैं तो लाइक like, वो खराब हो गया था मेरा एक्सरे तो आई डिड नॉट न्यू कि लाइट में एक्सपोज नहीं करना है ठीक है तो फिल्म फॉगिंग करता है ठीक है तो हाउ टू चेक इफ देयर इज लाइटली पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे बट लेट स्टडी अबाउट मेस टाइप एंट्रेंस तो मेस टाइप एंट्रेंस क्या होता है देखो अगर इसमें क्या होता है मेस टाइप एंट्रेंस में इवन इफ एक्सीडेंटली समुंस थोड़ा सा लाइट अंदर आ भी जाता है तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए देखो पैटर्न ये है आपका एंट्रेंस हॉल ठीक है एंड दिस इज द डार्क रूम तो अगर यहाँ पे भी लाइट आ भी गया तो आपको डार्क रूम में कोई फर्क पड़ेगा क्या कुछ पड़ेगा फर्क Anyone? नहीं पड़ेगा hmm. फर्क ओके सो दिस इज दिस इज द मेज मेज पैटर्न ओके दिस इज द मेज पैटर्न मतलब एंट्रेंस हॉल ऐसा होना चाहिए कि इफ यू गो इनसाइड थोड़ा सा लाइट एक्सपोज भी हो गया तो भी डार्क रूम में कोई आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ओके okay? दिस इज मेज पैटर्न ओके तो हाउ टू चेक इफ देर इज लाइट लीक ओके लाइट लीक हो रहा है कि नहीं हम कैसे जानेंगे तो एक टेस्ट है इस नीट और क्वाइन टेस्ट ओके okay? तो एक क्वन लेके जैसे हम लोग टॉस करते हैं ना क्रिकेट खेलने के पहले तो उसी तरह एक पेनी टेस्ट है या क्वाइन टेस्ट बोल सकते हैं उसको हम यूज करते हैं फॉर चेकिंग लाइट लीक ओके ठीक है तो so, ये पेनी टेस्ट आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेना दिस इज पेनी टेस्ट ठीक है ये पेनी यूज करते हैं और उसका आ, आ, क्या बोलते हैं दिस थिंग आ, आपका शेडो फॉर्म होता है कि नहीं वो देखते हैं पेनी टेस्ट ओके तो डार्क रूम डार्क रूम में क्या होता है एक सेफ लाइट होता है सेफ लाइट यू नो आपने देखा एक लाल सा लाइट होता है डार्क रूम में देखे हो एवरी वन सीन ऊपर में होता है तो दैट इज दैट इज नोन एज सेफ लाइट ठीक है उसको सेफ सेफ लाइट लाइट बोलते हैं एंड वो कौन सा कलर का होता है वट कलर रेड लाइट होता है क्यों रेड लाइट होता है बिकॉज इट इज द लाइट ऑफ लॉन्ग वेव लेंथ ओके रेड लाइट जो होता है लॉन्ग वेव का होता है ठीक है शॉर्ट वेव लेंथ का हम डार्क रूम में यूज नहीं कर सकते हैं तो ठीक है फिर इज प्लेस जो रेड लाइट है जो सेफ लाइट है पे प्लेस करते हैं इट इज प्लेसड फोर फिट द वर्किंग सरफेस ओके तो कितना ऊपर फोर फिट द वर्किंग सरफेस ठीक है और उसमें बल्ब कितना वाट का लगाते हैं बल्ब ऑफ फिफ्टीन वाट ओके और फिल्टर एक यूज करते हैं जो रेड फिल्टर ओके ऐसा देखा है ना जो बल्ब का सामने में लगा हुआ रहता है आपको फिल्टर यूज इज जीबी फिल्टर तो टू से दो सेफ लाइट होना है डार्क रूम वन इज प्लेस अब प्रोसेसिंग टैंक एंड अनदर वन इज एट दैक फोर फीट अब वेर वी अंडर ऑफ द फिल्म तो क्या है दो सेफ लाइट होना है देयर मस्ट बी टू सेफ लाइट वन द प्रोसेसिंग टैंक जहां पे प्रोसेसिंग टैंक है उसका ऊपर में होना है, चाहिए एंड अनदर एट द बैक ठीक है फोर फीट अब फिल्म जहां पे हम फिल्म खोलते हैं उसका चार फीट ऊपर होना चाहिए तो देयर शुड बी टू आपका दो क्या होना चाहिए दो सेफ लाइट होना चाहिए ठीक है तो ये हो गया जीबीएक्स टू फिल्टर नाउ प्रोसेसिंग टैंक ओके प्रोसेसिंग टैंक में क्या होता है एक होता है मास्टर टैंक देखा है एक जो आपका आ, वो रहता है जिसमें पानी रहता है ना वहाँ पे एक मास्टर टैंक एक फर्स्ट इंसर टैंक उसमें क्या रहता है डेवलपिंग सोलूशन देखे हो ना एक्सरे खुम्बर देखे हो किये, किये भी हो शायद? तो एक टैंक एक में पानी रहता है उसको मास्टर टैंक बोलते हैं ठीक है फिल्ड विथ वाटर और दो होता है मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील ठीक है स्टेनलेस स्टील से बना होता है तो स्टेनलेस स्टील से बना होने से क्या होता है दे डोंट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन जो डेवलपर है या फिक्सर है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है तो फर्स्ट इंसर्ट टैंक में क्या होता है डेवलपिंग सॉल्यूशन होता है और सेकेंड इंसर्ट टैंक में आपका फिक्सर सॉल्यूशन होता है ठीक है डेली रिप्लेनिशमेंट और प्रोसेसिंग सोल्यूशन तो रोज हमको वो जो सोल्यूशन है वो चेंज करना चाहिए एंड आई डोट नो वट दस इट मीन्स एट आउंसर्स पर गल आई लाइक टू चेक ना ये देखना चाहूंगा बट आई डिड नॉट वक्सक्लूड ना क्योंकि ये आ सकता है आपको एग्जाम में ठीक है एट आउंस पर गैलन तो डेली रिप्लेनिशमेंट और प्रोसेसिंग सोल्यूशन अब याद रखना एट आउसर्स पर गलन ठीक है फिर क्या करना यहाँ पे तो दू एक्सरे फिल्म प्रोसेसिंग करना है ठीक है तो उसमें क्या करते हैं पहले तो हम एक्सरे फिल्म को डार्क डार्क एक जगह पे ले जाएंगे फिर उसको खोलेंगे लीड पेपर को रिमूव करेंगे फिर रिमूव द ब्लैक पेपर मतलब क्या है वो लीड का पेपर होता है उसको रिमूव करेंगे देन वी कम टू द प्रोसेसिंग एरिया प्रोसेसिंग एरिया में आते हैं फिर स्टीर द सोल्यूशन जो डेवलपिंग सोल्यूशन है और आपका फिक्सर uh, है उसको हम स्टील करेंगे ठीक है फिर फर्स्ट वी प्लेस इन द डेवलपिंग सोल्यूशन हम फिर उसको जो डेवलपिंग सोल्यूशन है जो बर्तन है जिसमें डेवलपिंग सोल्यूशन है वो उसमें एक्सरे को रखेंगे ठीक है तो एक्सरे को कुछ समय रख, रखा फिर उसको निकालेंगे देर आर टू मेथड्स मेथड के बारे में बताऊंगा तो अभी फिलहाल ये सुन लो कि वो जो एक्सरे है उसको हम क्या करेंगे डेवलपिंग सोल्यूशन में रखेंगे फिर उसको निकालेंगे ठीक है निकालने के बाद वी वॉश विथ वाटर ठीक है उसको वाटर से वॉश करते हैं, ठीक है थीके? फिर क्या करते हैं उसको फिक्सिंग सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है फिक्सिंग सोल्यूशन में डालने के बाद फिर से हम निकालते हैं उसको और फिर से हम वाटर से धोते हैं ठीक है थीके? तो अभी हमने पढ़ा पेनी टेस्ट पेनी टेस्ट क्या करता है वॉट इज दूस यूज ऑफ पेनी टेस्ट यूज़ करते देख 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 देख। हाँ लाइट क्लिक के कारण ना लाइट क्लिक देखने के लिए पर ये प्रोसेसिंग सॉल्यूशन सही है कि नहीं उसके लिए भी एक टेस्ट है ओके तो देट इज नोन एज स्टेपेज टेस्ट इसका नाम ही याद रखो Just इतना ही काफी है ठीक है तो देर इज स्टेप जो हम यूज फॉर प्रोसेसिंग सोल्यूशन के लिए आप तो एवरेज पे 70 डिग्री फेरहेट ले सकते हो ठीक है फिर अभी जो हम जो आपको एक्सरे फिल्म है उसको हम क्या करने वाले हैं प्रोसेस करने वाले हैं राइट तो कैसे प्रोसेस करने वाले हैं पहले 4.5 मिनट हमको डेवलपर में रखना है आई नो वी डोंट यूज दिस टेक्निक आई नो वी डोंट यूज दिस टेक्निक इन आवर कॉलेज बिकॉज वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम ठीक है तो इसमें क्या करते हैं 4.5 मिनट आपका डेवलपर में रखते हैं ठीक है थीके? फिर आपका नाइन मिनट्स मतलब फोर पॉइंट फाइव प्लस फाइव ओके नाइन मिनटर सोल्यूशन ओके नाइन मिनट फिक्सर में रखा फिर वॉश किया ओके okay? तो देट इज दइडियल टेक्निक ठीक है पर वी डोंट यूज देट वन ओके दिस इज नोन एज द टाइम टेम्परेचर मेथड दो मेथड है प्रोसेसिंग का टाइम टेम्परेचर मेथड जो अभी मैं बता रहा था uh, जो मैं अभी बता रहा था उसको टाइम टेम्परेचर मेथड बोलते हैं ठीक है थीके? और और एक है विजुअल मेथड ठीक है विजुअल मेथड जो हम यूज करते हैं जनरली हम क्या करते हैं व्हाट डू यू डू वी स्टील इन द क्या बोलते हैं uh, जो डेवलपर में हमने डाला एक्सरे को एक्सरे फिल्म को तो कुछ समय के बाद उसको निकाल के देखते हैं ठीक है थीके? कि आपका डेवलप हुआ है कि नहीं अगेन वी प्लेस अगर उसमें uh, अच्छे से नहीं आया है तो फिर से रख देते हैं फिर देखते हैं तो वी डोंट यूज दैट फोर पॉइंट फाइव नाइन मिनट वो वाला टेक्निक हम यूज नहीं करते हैं ठीक है वी यूज द विजुअल मेथड ओके दिस इज द नॉर्मली यूज मेथड बट दिस इज द आइडियल ओके टाइम टेम्परेचर मेथड इज द आइडियल ओके फिर एक है ऑटोमेटिक मेथड ऑटोमेटिक मतलब आप मशीन में डाल दोगे ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा तो इसमें क्या है एक वॉशिंग स्टेप जो है वॉशिंग स्टेप जो है टिक मेथड ऑटोमेटिक मेथड में आपका वॉशिंग स्टेप नहीं होता है ठीक है प्रॉपरली फिक्स फिल्म आप कैसे पता चलेगा की जो फिल्म है प्रोपरली फिक्स हुआ है कि नहीं क्या कैसे पता चलेगा तो उसका कलर क्या होगा ब्लूइशिज ओके ब्लूशिंज होगा कलर और थोड़ा क्लाउडी होगा ओके ड्यू टू सम कॉल्ड एस फॉक बेस बोल के कुछ होता है उसके कारण क्लाउडी होगा तो ब्लूश टिंज और क्लाउडी ठीक है देन अभी कॉम्पोजिशन ऑफ डेवलपर सोल्यूशन हमने सब कुछ पढ़ लिया अभी हमको कॉम्पोजिशन पढ़ना है डेवलपर सोल्यूशन का क्या है तो जो डेवलपर सोल्यूशन है इट इज अल्कालाइन ओके प्लीज रिमेम्बर डेवलपर सोल्यूशन इज अल्कालाइन ठीक है और इसका पीएच है टेन वेयर एज आपका जो फिक्सर है इट इज एसिडिक और इसका पीएच है फोर टू फोर पॉइंट फाइव ओके तो डेवलपर का न्यूमोनिक क्या है डी आर ए पी ड्रैप ओके तो डेवलपर एक्टिवेटर प्रिजर्वेटिव और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है तो ये एक्टिवेटर का, का काम क्या है इट मेक्स द डेवलपिंग सोल्यूशन अलकालाइन तो एक्टिवेटर क्या करता है जो डेवलपिंग सोलूशन है उसको अल्कालाइन करता है ठीक है और मेक्स द इमल्शन टू स्वेल तो जो इमल्शन होता है आपका एक्सरे फिल्म में उसको स्वेलिंग करता है ठीक है फिर प्रिजर्वेटिव होता है प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं सोडियम सल्फाइड ये सारा नाम याद रखना है आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा डेवलपर क्या है एक्टिवेटर क्या है इनका फंक्शन क्या है प्रिजर्वेटिव का फंक्शन क्या है तो दिस इज आपको रेडियोलॉजी वाइवा में दिस यू मस्ट नो अल्काइन पीएच पीएच कितना है आपको पूछेगा ही ठीक है थीके? और रिस्ट्रेनर हो गया आपका पोटेशियम रोमाइड तो ये सारा नाम याद रखना है आपको ठीक है इसको रिस्ट्रेनर को एंटी फॉग एजेंट भी बोलते हैं ठीक है थीके? अब कंपोजिशन ऑफ फिक्सर फिक्सर का आपका न्यूमोनिक है कैप एच ठीक है तो एक हो गया एसिडिक पीएच फोर टू फोर पॉइंट फाइव क्लियरिंग एजेंट होता है इसमें अमोनियम थियोसल्फेट ओके फिर एसिडिफायर होता है एसिटिक एसिड acid, ये सोल्यूशन को एसिडिक बनाता है फिर प्रिजर्वेटिव होता है अमोनियम सल्फाइड ओके और हार्डेनर होता है अमोनियम एलुमिनियम सल्फेट जो हार्ड एंड द सोलैंड सोल्यूशन तो इतना ही है यहाँ में ठीक है फॉर दिस क्लास